एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंकित सिंह की संपत्ति की कुर्की के लिए पुलिस तैयारी कर रही है और संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। मामला नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का है और एफआईआर के बाद से ही आरोपी अंकित सिंह फरार है। दरअसल 20 अगस्त को नाबालिग छात्रा ने अकलतरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंकित सिंह छेड़खानी करता था और मोबाइल पर मैसेज करता था। इस पर अकलतरा पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 541, 541, 546, 509 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत जुर्म दर्ज किया था। घटना के बाद आरोपी एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अंकित सिंह फरार है। उसकी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है और पिछले 2 माह से आरोपी अंकित सिंह फरार है। एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस द्वारा उसकी संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है, इसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि ये प्रकरण पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ का था, लिहाजा इसमें आरोपी के संपत्ति की जानकारी प्राप्त की जाकर इसमें धारा 82-83 जाप्ता फौजदारी के तहत उद्घोषणा और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और उसकी प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।